मैंने तो ये कल ही कहा था, बजट के बाद ही आके मैं, ये सरकार बचाओ बजट है, जहां पे सिर्फ अपने आंध्र प्रदेश और बिहार के जो ये लंगड़ी सरकार जिनके सहारे खड़ी है उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये बजट पेश हुआ है। बाकी तो जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने बाढ़ के लिए देखा कि दूसरे राज्यों को दिया गया, जहां पंजाब में एक साल में दो दो बाढ़ आए हैं, तो उनके बारे कुछ नहीं। किसानी आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, उनको उठाया गया, वादे किए गए, आज किसान इतने तकलीफ में है, तब भी उनके बारे में भी कुछ भी नहीं, ना युवा के बारे में, ना मजदूर के बारे में। और पंजाब के तो पिछले 6 बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। मेरा ख्याल जो लोग पंजाब के दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं कि पंजाब के मसले हल करेंगे, अब उनको जवाब देना चाहिए कि कौन सा मसला हल हो रहा है। 7 बजट 6 बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। क्या पंजाब के पैसे सेंट्रल पूल में नहीं जाते हैं? तो ये बिल्कुल भेदभाव है। और ये सरकार बचाओ बजट था, इस करके ऐसी पार्टियों को दिया गया है, ऐसे राज्यों को, जिस करके ये सरकार खड़ी है। देखिए, ये राहुल गांधी तो बयानबाजी और बातें कर सकते हैं, 10 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने सरकार किसानों के लिए क्या किया। अभी पंजाब में इस सरकार, आम आदमी की सरकार से पहले 5 साल कांग्रेस की ही सरकार थी, सारे किसानों का कर्जा माफ करने का उन्होंने वादा किया था, 5 साल निकाल दिए, एक किसान का एक कर्जा नहीं वापस किया। सोचे किसानों के लिए जे कोई करती है तो वो शिरोमणी अकाली दल है, जिसने काले कानून जब इस सरकार ने थोपने की कोशिश करी, हमने रिजाइन किया, मंत्रिमंडल भी छोड़ा, अलायंस भी छोड़ा। और जहां कांग्रेस और आम आदमी जो एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी पंजाब में थी, इधर पहुंचने के लिए कुर्सी की खाते लेने उन्होंने अनहोली अलायंस किया, लेकिन अकाली दल ने बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं किया। हम अपने सिद्धांतों पे और मुद्दों पे खड़े रहे कि पहले आप किसान के मसले सॉल्व करिए, आप पंजाब के मसले सॉल्व करिए, और उसके बाद ही कोई अलायंस की बात होगी। तो मुद्दों पे जो खड़ता है किसानों के साथ, अकाली दल का इतिहास है, स्टार प्रकाश सिंह बादल और चौधरी चरण सिंह जी, इन्होंने MSP की लड़ाई सारी उन्होंने लड़ी थी। सो अकाली दल हमेशा मुद्दे किसानों के भी उठाते रहे हैं और पंजाब के हम ही उठाते हैं। बाकी ये जो पार्टी आम आदमी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो नेशनल एजेंडा चलाती है। अब पंजाब में देख लीजिए, हमारा पंजाब का पानी SYL की नहर, अकाली दल कहता कोई बनने नहीं देंगे। आम आदमी का मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पंजाब में कुछ कहती है, बॉर्डर टाप के हरियाणा में कहती है हाँ भी पानी चाहिए। सो इनकी डोगली राजनीति होती है, वोटों की राजनीति होती है। रीजनल पार्टीज जो होती है वो लोगों के रीजनल एस्पिरेशंस को सेफगार्ड करते हैं और स्टेट को सेफगार्ड करते हैं। मैंने तो ये कल ही कहा था, बजट के बाद ही आके मैं, ये सरकार बचाओ बजट है, जहां पे सिर्फ अपने आंध्र प्रदेश और बिहार के जो ये लंगड़ी सरकार जिनके सहारे खड़ी है उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये बजट पेश हुआ है। बाकी तो जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने बाढ़ के लिए देखा कि दूसरे राज्यों को दिया गया, जहां पंजाब में एक साल में दो दो बाढ़ आए हैं, तो उनके बारे कुछ नहीं। किसानी आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, उनको उठाया गया, वादे किए गए, आज किसान इतने तकलीफ में है, तब भी उनके बारे में भी कुछ भी नहीं, ना युवा के बारे में, ना मजदूर के बारे में। और पंजाब के तो पिछले 6 बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। मेरा ख्याल जो लोग पंजाब के दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं कि पंजाब के मसले हल करेंगे, अब उनको जवाब देना चाहिए कि कौन सा मसला हल हो रहा है। 7 बजट 6 बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। क्या पंजाब के पैसे सेंट्रल पूल में नहीं जाते हैं? तो ये बिल्कुल भेदभाव है। और ये सरकार बचाओ बजट था, इस करके ऐसी पार्टियों को दिया गया है, ऐसे राज्यों को, जिस करके ये सरकार खड़ी है। देखिए, ये राहुल गांधी तो बयानबाजी और बातें कर सकते हैं, 10 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने सरकार किसानों के लिए क्या किया। अभी पंजाब में इस सरकार, आम आदमी की सरकार से पहले 5 साल कांग्रेस की ही सरकार थी, सारे किसानों का कर्जा माफ करने का उन्होंने वादा किया था, 5 साल निकाल दिए, एक किसान का एक कर्जा नहीं वापस किया। सोचे किसानों के लिए जे कोई करती है तो वो शिरोमणी अकाली दल है, जिसने काले कानून जब इस सरकार ने थोपने की कोशिश करी, हमने रिजाइन किया, मंत्रिमंडल भी छोड़ा, अलायंस भी छोड़ा। और जहां कांग्रेस और आम आदमी जो एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी पंजाब में थी, इधर पहुंचने के लिए कुर्सी की खाते लेने उन्होंने अनहोली अलायंस किया, लेकिन अकाली दल ने बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं किया। हम अपने सिद्धांतों पे और मुद्दों पे खड़े रहे कि पहले आप किसान के मसले सॉल्व करिए, आप पंजाब के मसले सॉल्व करिए, और उसके बाद ही कोई अलायंस की बात होगी। तो मुद्दों पे जो खड़ता है किसानों के साथ, अकाली दल का इतिहास है, स्टार प्रकाश सिंह बादल और चौधरी चरण सिंह जी, इन्होंने MSP की लड़ाई सारी उन्होंने लड़ी थी। सो अकाली दल हमेशा मुद्दे किसानों के भी उठाते रहे हैं और पंजाब के हम ही उठाते हैं। बाकी ये जो पार्टी आम आदमी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो नेशनल एजेंडा चलाती है। अब पंजाब में देख लीजिए, हमारा पंजाब का पानी SYL की नहर, अकाली दल कहता कोई बनने नहीं देंगे। आम आदमी का मुख्यमंत्री हो,
कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पंजाब में कुछ कहती है, बॉर्डर टाप के हरियाणा में कहती है हाँ भी पानी चाहिए। सो इनकी डोगली राजनीति होती है, वोटों की राजनीति होती है। रीजनल पार्टीज जो होती है वो लोगों के रीजनल एस्पिरेशंस को सेफगार्ड करते हैं और स्टेट को सेफगार्ड करते हैं। मैंने तो ये कल ही कहा था, बजट के बाद ही आके मैं, ये सरकार बचाओ बजट है जहां पे सिर्फ अपने आंध्र प्रदेश और बिहार के जो ये लंगड़ी सरकार जिनके सहारे खड़ी है उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये बजट पेश हुआ है। बाकी तो जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने बाढ़ के लिए देखा कि दूसरे राज्यों को दिया गया, जहां पंजाब में एक साल में दो दो बाढ़ आए हैं तो उनके बारे कुछ नहीं। किसानी आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, उनको उठाया गया, वादे किए गए, आज किसान इतने तकलीफ में है, तब भी उनके बारे में भी कुछ भी नहीं, ना युवा के बारे में, ना मजदूर के बारे में। और पंजाब के तो पिछले 6 बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। मेरा ख्याल जो लोग पंजाब के दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं कि पंजाब के मसले हल करेंगे, अब उनको जवाब देना चाहिए कि कौन सा मसला हल हो रहा है। 7 बजट 6 बजट से पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। क्या पंजाब के पैसे सेंट्रल पूल में नहीं जाते हैं? तो ये बिल्कुल भेदभाव है और ये सरकार बचाओ बजट था, इस करके ऐसी पार्टियों को दिया गया है, ऐसे राज्यों को, जिस करके ये सरकार खड़ी है। देखिए, ये राहुल गांधी तो बयानबाजी और बातें कर सकते हैं, 10 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। अभी पंजाब में इस सरकार, आम आदमी की सरकार से पहले 5 साल कांग्रेस की ही सरकार थी, सारे किसानों का कर्जा माफ करने का उन्होंने वादा किया था, 5 साल निकाल दिए, एक किसान का एक कर्जा नहीं वापस किया। सोचे किसानों के लिए जो कोई करती है तो वो शिरोमणी अकाली दल है, जिसने काले कानून जब इस सरकार ने थोपने की कोशिश करी, हमने रिजाइन किया, मंत्रिमंडल भी छोड़ा, अलायंस भी छोड़ा। और जहां कांग्रेस और आम आदमी जो एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी पंजाब में थी, इधर पहुंचने के लिए कुर्सी की खाते लेने उन्होंने अनहोली अलायंस किया, लेकिन अकाली दल ने बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं किया। हम अपने सिद्धांतों पे और मुद्दों पे खड़े रहे कि पहले आप किसान के मसले सॉल्व करिए, आप पंजाब के मसले सॉल्व करिए और उसके बाद ही कोई अलायंस की बात होगी। तो मुद्दों पे जो खड़ता है किसानों के साथ, अकाली दल का इतिहास है, स्टार प्रकाश सिंह बादल और चौधरी चरण सिंह जी, इन्होंने MSP की लड़ाई सारी उन्होंने लड़ी थी। सो अकाली दल हमेशा मुद्दे किसानों के भी उठाते रहे हैं और पंजाब के हम ही उठाते हैं। बाकी ये जो पार्टी आम आदमी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो नेशनल एजेंडा चलाती है। अब पंजाब में देख लीजिए, हमारा पंजाब का पानी SYL की नहर, अकाली दल कहता कोई बनने नहीं देंगे। आम आदमी का मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पंजाब में कुछ कहती है, बॉर्डर टाप के हरियाणा में कहती है हाँ भी पानी चाहिए। सो इनकी डोगली राजनीति होती है, वोटों की राजनीति होती है। रीजनल पार्टीज जो होती है वो लोगों के रीजनल एस्पिरेशंस को सेफगार्ड करते हैं और स्टेट को सेफगार्ड करते हैं।